यह नंबर वन महल था जो शीश महल, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। वाओ, चारों तरफ से ना बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ है जी, इसमें तो रहने का मन कर रहा है रियली में। ये देखिए जी, बिल्कुल अनार के दाने क्लियर दिखा रखे हैं इसमें, क्या मस्त है ना। ये शीश महल है गाइस, जांच में आपको। हाय हेलो नमस्ते सलाम आदिल बंदे का नाम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू क्या, वेलकम टू फतेहपुर सीकरी। गाइस हम फिलहाल मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी जो आगरा से पड़ता है 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर, और आप जो मेरी बैक साइड से देख रहे हैं आज हम इसी का व्लॉग करेंगे। ये क्या है, ये जो बीबी मरियम थी ना, जो अकबर की वाइफ थी, उन्हीं का यह महल है जो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा इसको अंदर जाकर भी। तो देखिए गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। तो जिला स्टार्ट ज़्यादा समय न ले तो वीडियो करते शुरू, तो चलें। देखिए आज मैं आपको फिलहाल इसको चारों ओर से दिखा रहा हूँ, और कुछ देर में हम अंदर जाकर देखते हैं इसको। जो बीवी मरियम थी, जो अकबर की क्रिश्चियन वाइफ थी, यह उन्हीं का मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। जो ये महल है, बीवी मरियम का महल है गाइस, को दिख रहा होगा। ऊपर जाने का फिलहाल इन्होंने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है, ऊपर नहीं जा सकते। यह महल है जी, इनमें रहती थी रानियाँ। और कौन सी रानी रहती थी इसमें, जो बीवी मरियम थी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा महल है ना, यहाँ पर ना जो सबसे बड़ा महल है ना, वो जोधा बाई का है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके औलाद हुई थी, इसलिए उनको सबसे बड़ा जो महल है बनाकर दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा महल है बट इतना सुंदर नहीं है जो ये बीवी मरियम का है। और मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा जो उनकी मुस्लिम बीवी थी, शायद रुकैया नाम था उनका, उनका भी महल आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फिलहाल मैं आपको इसको जो बीवी मरियम का महल है इसको अंदर जाकर दिखाते हैं कुछ, तो चलते हैं बैक कैमरे से दिखाते हैं। गाइस यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था, फिलहाल बंद है कर रखा है इन्होंने, बंद कर रखा है। गाइस ये ना यहाँ पर पत्थर पहले दूसरा था, जो गवर्नमेंट ने इसको बाद में तामीर कराया है, और ऊपर जाने का रास्ता इसलिए ही बंद हुआ होगा शायद, क्योंकि यह कमज़ोर हो गया, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है ना। बिल्कुल गाइस, जो आपको दिख रहा नहीं है, गवर्नमेंट ने इसमें बाद में कार्य कराया है, जो आपको अलग ही दिख रहा होगा इसमें। ये महल है गाइस, जो मरियम अकबर बादशाह की सेकंड वाइफ थी, ये आपको दिख रहा है गाइस। मुझे जो यहाँ सबसे स्पेशल लगा ना, बिल्कुल गर्मी ना बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है काफ़ी ज़्यादा। तो चले गए गाइस, जो ये मरियम का जो महल है ना, आपको दिख रहा होगा फिलहाल काफ़ी भद्दा है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत था, क्योंकि इसमें ना सोने की मूर्तियाँ लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, जो अंग्रेज इसमें से उखाड़ कर ले गए थे उनको। और यहाँ पर मूर्तियाँ भी थी, जो काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी जो अब नहीं है। तो गाइस हम फिलहाल आ गए हैं, जो बादशाह अकबर की मुस्लिम बीवी थी ना, शायद उनका नाम रुकैया था, उन्हीं का यह महल है जिसको शीश महल भी कहते हैं। ये मेकअप रूम भी हुआ करता था एक किस्म से, यानी कि इसमें मेकअप भी होता था। इसकी जो ये नक्काशी है ना, आपको मैं दिखाऊंगा, मशीन का कोई मसला नहीं है, इतनी पुरानी है और कितनी डेकोरेट करके बनाई हुई है ना। ये देखिए गाइस, ये अनार है फॉर्म द ग्रेट, ये ना उस वक्त का बनाया हुआ है, आप देख लीजिए इसको, यानी हो ही क्या होगा ना 800 साल। तो क्या दिमाग था ना, बिल्कुल गाइस क्या दिमाग था जी, माइंड ब्लोइंग। और दूसरी ओर आपको मैं दिखा दूं, ये क्या है जी, ये तो ऐसे ही डेकोरेट किया है फूलों से। ये देखिए जी, बिल्कुल अनार के दाने क्लियर दिखा रखे हैं इसमें, क्या मस्त है ना। ये शीश महल है गाइस, जहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये खूबसूरत महल है। इसमें जो बादशाह की बीवी थी, जो मुस्लिम बीवी थी, वह इसमें रहती थी, जो मेकअप का रूम भी कहा जाता है जिसको। ये देखिए क्या मस्त है ना, आपको जो सामने से दिख रहे हैं ना आले से, आला टाइप में, उसमें उस सामान रखने का होगा, मेकअप वाला सामान या और सामान, बिल्कुल वही सिस्टम है। तो रियली में मेकअप रूम है, इसको कहते हैं जी शीश महल। फिलहाल मुझे अंगूर की बेल नहीं दिखाई दे रही है, मैंने सुना है कि यहाँ पर अंगूर की बेल भी बना रखी है उन्होंने, बट मैं देख रहा हूँ उनको। बिल्कुल गई दिख गई हमें यहाँ पर जो अंगूर की बेल है ना, वाओ ये है जी, गजब है ना।
बादशाह अकबर की जो मुस्लिम बीवी थी ना, उनका महल सबसे छोटा है और लेकिन सबसे ब्यूटीफुल है, काफी सुंदर है माशाल्लाह से। क्योंकि इसमें जो कारागिरी दिखाई है ना कारीगरों ने, वह माइंड ब्लोइंग वाली दिखाई है। जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, कितनी अच्छी अच्छी बेलें बना रखी है और फूल डेकोरेट किए हुए हैं, अनार की बेल है और आपका ये अंगूर की बेल है और काफी अच्छे अच्छे फूल बनाए हुए हैं। काफी अच्छा लगा मुझे इसको। और ये अंदर से देख लीजिए जी, अब तो ये ध्वस्त होता जा रहा है बट जब होगा कितना मस्त होगा। और देखिए यहाँ पर ये पक्षी है ना, बिल्कुल क्या मस्त बना रखे है ना, ये उसी टाइम के है। फिलहाल ये ध्वस्त होते जा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। और यहाँ पर चारों ओर ऐसे ही डिजाइनिंग बना रखी है, यानी यह नंबर वन महल था जो शीश महल, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। वाओ, चारों तरफ से ना बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ है जी, इसमें तो रहने का मन कर रहा है रियली में, मस्त है, माइंड ब्लोइंग। अंदर जाने का रास्ता बंद किया है इन्होंने, अंदर नहीं जा सकते। और ये पार्क तो बाद में ही बनाए हैं, पहले भी कुछ यहाँ पर हुआ करता होगा, तभी तो ये इतना अच्छा है ना यहाँ पर जो शीश महल है। तो फैली गाज आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो गाज मिलते हैं हमसे हम कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने दोस्त आदिल को इजाजत दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, आप अपने लिए सबसे कीमती बंदे हो।